देख अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते या अपन जीतते, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकुश कुमार राणा, नेशनल प्लेयर, स्टेट मेडलिस्ट। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्री यूट्यूब चैनल लोकुश साइंटिस्ट पे। दोस्तों आप सभी का बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट आ रहा था कि 1600 मीटर का वर्कआउट प्लान दीजिए जिससे कि मेरी टाइमिंग 35 है तो 4:40 और 4:30 के बीच में आ जाए। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 1600 मीटर का बेस्ट वर्कआउट प्लान जिससे को करने से आपकी टाइमिंग 4:30 और 4:40 के बीच में आ जाएगी। आप इस वर्कआउट को डेली फॉलो कीजिए। आते हैं वर्कआउट करके दिखाते हैं। मंडे का वर्कआउट 1200 मीटर के 2 रेपिटेशन जिसकी टाइमिंग जानी चाहिए 4 से 4:10 के बीच में, और हर एक रेपिटेशन में रिकवरी 4 से 5 मिनट का होना चाहिए। फिर आते हैं अगले वर्कआउट के समय 1000 मीटर का 3 रेपिटेशन जिसकी टाइमिंग जानी चाहिए 3:25 से 3:30 तक। उसके बाद आप कूल डाउन करें और स्ट्रेचिंग करें, और इवनिंग में 30 मिनट रनिंग करें और स्ट्रेचिंग करें। अब आते हैं अगले दिन थर्सडे का, मंगलवार का वर्कआउट। मॉर्निंग में हिल रनिंग करें, अगर आपके पास 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर के ऊंचाई वाले अगर हिल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, उस पर आप 10 रेप लगाएं, कूल डाउन करें, स्ट्रेचिंग करें। इवनिंग का प्रोग्राम वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें और एबीसी एक्सरसाइज करें। जब आपकी एबीसी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है तो आप स्लो रनिंग करें 15 मिनट का, कूल डाउन करें, स्ट्रेचिंग करें। अब आते हैं अगले दिन वेडनेसडे, बुधवार का। वार्म अप करें, 10 किलोमीटर रहेगा 5 मिनट पर किमी, और कूल डाउन करें और स्ट्रेचिंग करें। आपको उसी दिन इवनिंग में कोर एक्सरसाइज करना है, हर एक एक्सरसाइज के 2-2 सेट करना है 30-30 सेकेंड का। अब आते हैं थर्सडे, गुरुवार। उस दिन आप 100 मीटर के 10 लगाएंगे 14 सेकेंड के, जिसका रिकवरी रेट रहेगा 80 से 90 सेकेंड का, और इवनिंग में आप स्ट्रेचिंग करें और 15 मिनट रनिंग करें। फ्राइडे को 3200 मीटर का 2 लगाएं जिसकी टाइमिंग जानी चाहिए 3:40 से 3:50 के बीच में। जब आपका ये पूरा हो जाता है तो कूल डाउन करें, स्ट्रेचिंग करें। उसी दिन इवनिंग में आप वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद स्लो फास्ट करें 10 मिनट का 2 सेट, यानी टोटल 20 मिनट का स्लो फास्ट रहेगा आपका, जिसे फाट लेग ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद आपका जब फाट लेग पूरा हो जाता है 20 मिनट का तो कूल डाउन करें और स्ट्रेचिंग करें। अब आते हैं सैटरडे, शनिवार का। शनिवार को आपको 8 किलोमीटर लगाना है 5:10 से 5:20 के बीच में पर किमी पेस से। उसके बाद इवनिंग में आप कोर एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों यही था मेरा 12 वीक का वर्कआउट प्लान। आपको संडे को पूरी तरह से रेस्ट करना है और मसाज करना है किसी भी ऑयल से, जैसे सरसों का तेल हो सकता है, तिल का तेल, कोयने का तेल से आप अपनी बॉडी का मसाज करें। उसके बाद दोस्तों आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा समय लगता है तो उससे घबराएं ना, आप वर्कआउट को पूरा करते रहिए, आपका टाइमिंग कम होने लगेगा, आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और रनिंग से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।